खैर जय दोनों श्री। शादी कर लिया क्या? नो नो, ये हुजूर लेके चला गया था, 1 महीना के बाद रिकवरी हुआ 161 का है। लेके क्या चला गया? यही तो टीनेज का जो है ना, ये सब टीनेज वाला केसेस है, ये जी सब जी समस्या वन यही तो सिक्स हो रही है इन सब तरह के केसेस में। अभी देख रहे थे ना, कहीं हमने देखा कि वो पॉक्सो पे जो डिस्कशन हो रहा था उसमें यही सब बातें हो रही कि दोनों तरफ जुवेनाइल्स हैं, एंड ये लव एंड रोमांस वाले केसेस में जितने हैं, ये इस केस पॉक्सो में वाला जो जुवेनाइल नहीं प्रोविजंस है। लग रहा है वो अल्टीमेटली जाकर के अबाउट 95% ऑफ केसेज आर रिजल्टिंग इन एक्विटल। देखिए इसमें भी पॉक्सो लगा दिया है ना, यही पॉस्को नहीं लगाया है वो जो आपने तो इसमें, लिखा है, नहीं, हम तो रिक्वेस्ट किए हैं कि पॉस्को का भी आपने एक्ट लगना रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। किया है। प्लीज डोंट से समथिंग, रीड योर पैराग्राफ वन। छठा महीना में एफआईआर लॉज हुआ, 366 ए का हुजूर एफआईआर है जी, तब। और ये हुजूर इसमें है कि आयुष कुमार 19, और ये जो विक्टिम गर्ल का एज है 16 ईयर्स, और जिसको जो अप्रोप्रिएट सेक्शन में जो केस लॉन्च करना चाहिए वो भी नहीं किया। और यहाँ हुजूर हमने 14 को एप्लीकेशन दिया है, रिटर्न रिपोर्ट दिया है, और इन्होंने 14 को कंडक्ट ऑफ द आईओ देखा जाए, 14 को 18 बना दिया गया है, और 18 को जब सीजीएम साहब के यहाँ भेजा गया है, और इस सुपरविजन में एसडीपीओ का सुपरविजन है कि इनको अरेस्ट करिए, अगर नहीं पकड़ाते हैं तो इन पर कुर्की जब्ती कीजिए। इसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गया है, प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? डिस्ट्रिक्ट क्या जज। दोनों शादी कर लिया क्या? नो नो, ये हुजूर लेके चला गया था, 1 महीना के बाद रिकवरी हुआ 161 का है। लेके क्या चला गया? यही तो टीनेज का जो है ना, ये सब टीनेज वाला केसेस है, ये जी सब जी समस्या वन यही तो सिक्स हो रही है इन सब तरह के केसेस में। अभी देख रहे थे ना, कहीं हमने देखा कि वो पॉक्सो पे जो डिस्कशन हो रहा था उसमें यही सब बातें हो रही कि दोनों तरफ जुवेनाइल्स हैं ना, एंड ये लव एंड रोमांस वाले केसेस में जितने हैं, ये इस केस पॉक्सो में वाला जो जुवेनाइल नहीं प्रोविजंस है। लग रहा है वो अल्टीमेटली जाकर के अबाउट 95% ऑफ केसेस आर रिजल्टिंग इन एक्विटल। इस केस में हुजूर आयुष कुमार सिंह 19 इयर्स का है। 19 ईयर्स है तो कौन सा हो गया वो तुम्हें? और नाइनटीन विक्टिम गर्ल ईयर्स 16 इयर्स और 164 केस के फॉलो नाइनटीन करते ईयर्स 16 ईयर्स 17 ईयर्स क्या है सब हैं। जी, लिखिए। हर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर शिवशंकर प्रसाद लर्नेड एस सी एट फॉर द स्टेट। पिटिशनर इन द प्रेजेंट केस इज सीकिंग डायरेक्शन टू दी ऑफिशियल रेस्पॉन्डेंट्स टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ भालपट्टी ओपीपीएस केस नंबर 338 ऑफ 2022 इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्राइवेट रेस्पॉन्ड नंबर 7 to 10 फॉर द तो लगा दिया है ना, यही पॉस्को नहीं लगाया है वो जो इसमें, आपने तो लिखा है, नहीं, हम तो रिक्वेस्ट किए हैं कि पॉस्को फिर का भी आपने एक्ट लगना रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। किया है। प्लीज डोंट से समथिंग, रीड योर पैराग्राफ वन। आपने इन वन स्ट्रेट लिखा है अंडर सेक्शन 363 एंड थ्री नो, सिक्सटी दिस इज सिक्स मिस्टेक ए ऑन माय पार्ट, पॉस्को तब, नहीं लगा हुआ है। इसीलिए दैट क्रिएटेड ए कंफ्यूजन। नहीं, 363 एंड 366 ए आईपीसी पुलिस ऑफ लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर ऊपर लिख दीजिएगा, लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सिक्स परमिशन टू डिलीट द टाइपोग्राफिकल एरर विच हैज अकर्ड इन पैराग्राफ वन विद इन ब्रैकेट रोमन वन एट पेज 5 ऑफ द रिट एप्लीकेशन। इसको काट दीजिए अभी। जी, नेक्स्ट, लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट पिटिशनर इज द ग्रैंड फादर ऑफ The girl aged about 16 years
who has been taken away by the accused persons with an intention to marry. Police stop. It is stated that the police is not investigating the case properly and no action is being taken against the accused persons. Next, Mr. Shiv Shankar Prasad, learned SC8, submits common order में दे देते हैं इसको जरूर एक प्रेयर होगा इनको ये रिस्पोंडेंट नंबर 7 to 10 लैंडलॉर्ड हैं और इनको थ्रेटन भी करते हैं और इन्हीं के जमीन पर बसे हुए हैं ये सब इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ पार्ट में आया है कि और इनको कह रहे हैं कि मैंने आपको जमीन से बेदखल कर देंगे तो उनको प्रोटेक्शन थोड़ा सा दीजिए वो सब कहानी में नहीं जाएंगे SC8 submits that in the nature of the allegations, comma, the police is already working and the investigation is going on. Police stop, it is submitted that this case would be covered by the common order dated 9-9-2022 passed by this court in CRWJC number 153 of 2017 and other analogous cases. Full stop. Next, Land Council for the petitioner agrees with the same. Next, in the given facts and circumstances of the case, comma, this writ application is being disposed of in terms of the order dated 9-9-2022 passed by this court in CRWJC number so and so, which are being reproduced, the relevant part of which are being reproduced here under for a ready reference. Next, the superintendent of police, कहाँ का है दरभंगा? जी जी. दरभंगा as well as the competent court in whose jurisdiction the case is pending are directed to act accordingly. लीजिए correction कर दीजिए.